तो सपनों का शहर मुंबई। इस मुंबई शहर को कई बार कई दौर से गुजरना पड़ा। इसके ऊपर कई बार कई प्रकार के संकट आए, जैसे कि 26/11 जैसे बड़े बड़े हमले भी मुंबई जैसे शहरों में हुआ। तो दोस्तों, कोरोना वायरस जिस तरह पूरे भारत में फैला, उसी तरह मुंबई में भी सबसे ज़्यादा फैला। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोरोना वायरस का प्रभाव मुंबई पे सबसे ज़्यादा और काफ़ी भयानक पड़ा है। तो दोस्तों, इसी बीच निसर्ग तूफान और भारी मचाई है मुंबई में, इसकी वजह से कई मुंबई करके जान पर बन आई है। तो दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे एक फोटो और एक वीडियो काफ़ी तेजी से मुंबई की वायरल हो रहा है, जिसमें दोस्तों हम आपको बता दें कि उस फोटो में ऐसा क्या है जो कि ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा सब लोग वायरल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इस फोटो में एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ मुंबई शहर है और बीच में भगवान गणेश की मूर्ति है। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि मुंबई को लोगों को इस आपदा से बचाने के लिए मुंबई में ऐसा लगता है कि गणेश भगवान काफ़ी डट के खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि मुंबई में गणेश उत्सव काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गणेश उत्सव के लास्ट दिन में सभी लोग गणेश बप्पा की मूर्ति को सभी लोग विसर्जन कर देते हैं समुद्र में। तो उसी तरह इस फोटो में भी ऐसा लग रहा है कि गणेश बप्पा खुद बाहर आके हम सभी मुंबईकर का बचाव कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके बाद दूसरे वीडियो में यह वायरल हो रहा है कि इस वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला और उनका भगवा झंडा किस तरह से निसर्ग तूफान में भी एकदम डट कर खड़ा हुआ है, और मानो कि ऐसा लग रहा है कि स्वयं शिवाजी महाराज उस भगवा झंडे को लेके खुद थाम कर खड़े हो। और ये दोनों वीडियो एक मुंबईकर वासियों को हौसला ज़रूर बुलंद करेगा और इस आपदा में लड़ने की हिम्मत ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।